थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड जई मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अक्सर इससे क्वेश्चन आ जाते हैं तो देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी होती क्या चीज़ है और इस पर बेस्ड जे मेन्स में आए हुए एक क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देखेंगे तो सबसे पहली बात थर्मल स्टेबिलिटी होती है किसी भी कंपाउंड की हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहने की एबिलिटी अब ये चीज़ कोवैलेंट कंपाउंड के लिए अलग तरीके से वैरी करती है और आयनिक कंपाउंड के लिए अलग तरीके से वैरी करती है कोवैलन कंपाउंडस के लिए थर्मल स्टेबिलिटी बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और बॉन्ड एनर्जी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फॉर एग्जाम्पल अगर इन कोवेलेंट कंपाउंड्स को देखें तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज इंक्रीज हो रही है थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी अब अगर बात करें आयनिक कंपाउंड्स की तो मोनोटॉमिक एनायंस के लिए थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो कि चार्ज के डायरेक्टली और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलियोटॉमिक एनायंस के लिए थर्मल स्टेबिलिटी पोलराइजेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हैंड्स साइज ऑफ कटाइन के डायरेक्टली और साइज ऑफ एनायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है अब अगर ये सारी चीजें तुम्हें याद नहीं रखनी है तो सिंपल सी ट्रिक है नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन में यूज़ हो जाएगी बड़ा एनायन बड़ा केटाइन और छोटा एनायन छोटा केटाइन का कॉम्बिनेशन ज्यादा थर्मली स्टेबल होता है बाय द वे इन